दोस्तों मेरे चैनल भक्ति आराधना में स्वागत है। भागवत गीता भाग 12 भक्ति योग। गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है न कोई पा सकेगा, जैसा तूने देखा। किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वह इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है, अतः अर्जुन भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में कलेश विशेष है। जब तक देह का अध्यास भान है तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुःखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा, उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूँ मुझे पाना है कहते हैं अपने शरीर की ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तेल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र संसार सागर से उद्धार करने वाले हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर, जहाँ भी चित जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर, ये भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर, कर्म एक ही है यज्ञात कर्म, तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर, ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो समूल भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारम्भों को त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिनकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिनकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योगयुक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हानि लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए, उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समकक्ष अपने को घोषित किया। श्री कृष्ण एक योगी है, महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है।